सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को टेक्निकल वाइट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आपको एक मैसेज आ रहा है जिसमें आपको लिखा रहा है द सर्वर हैज रिजेक्टेड द फाइल, तो आपको क्या करना चाहिए और ये क्यों आता है, तो इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आपको ये मैसेज तब आता है जब आपके चैनल पर दो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं। दोस्तों, यूट्यूब आपके चैनल पर, जब आपके चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो यूट्यूब आपका लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है, जिसके बाद आप जो है यूट्यूब पर लाइव वीडियोस नहीं बना सकते हैं। और यही जब आपके पास दूसरा स्ट्राइक आ जाता है, एक साथ दो स्ट्राइक आ जाता है, तो यूट्यूब आपके चैनल पर वीडियो अपलोडिंग सिस्टम को डिजेबल कर देता है, जिसके बाद आप यूट्यूब पर कुछ दिन के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। और जब आपके चैनल पर टोटल तीन स्ट्राइक हो जाते हैं तो YouTube आपके चैनल को डिजेबल कर सकता है। तो आज हम इसी सब के बारे में जानने वाले हैं कि क्या आप इस सब से बच सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक चेक करने के लिए आपको इस यूआरएल पे आना है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे चैनल पे भी यहाँ पे दो कॉपीराइट स्ट्राइक आए थे, तो आपको यहाँ पे अपने चैनल पे आना है। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि आपके चैनल पे स्ट्राइक है कितना, कितने स्ट्राइक है या नहीं है। तो अब मेरे चैनल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी डिजिटल में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो स्ट्राइक आए थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्राइक आया था मेरे पास अगस्त 19, 2018 को आया था, जो नवम्बर 2017 को एक्सपायर हो गया, मतलब एक्सपायर हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट स्ट्राइक आया था, इसके बाद मेरा जो है यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गया था, मतलब कि इस एक स्ट्राइक आने के बाद मैं अपने चैनल पर कोई भी जो है लाइव वीडियोस नहीं बना सकता। इसके बाद जब मेरे पास दूसरा स्ट्राइक आया तो उसके बाद मेरे चैनल पर अपलोडिंग बंद हो गया। तो ये जो पहला स्ट्राइक आता है, ये आपको आता है 3 महीने के लिए, जिसमें कि आप 3 महीने तक अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है जिसमें आप यूट्यूब को, अगर आपके पास फेक स्ट्राइक आता है तो आप उसके लिए यूट्यूब को कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फेक स्ट्राइक नहीं है, वो एक रियल स्ट्राइक है, तो यूट्यूब आपको 3 महीने के लिए आपका लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ दूसरा स्ट्राइक आता है तो यहाँ भी आपके पास एक मौका होता है, उसमें आप फिर से यूट्यूब को अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो ये आपका फेक स्ट्राइक है या नहीं उसके लिए। और अगर आपका ये भी फेक स्ट्राइक नहीं होता है, एक रियल स्ट्राइक होता है, तो आपको यहाँ पे दूसरे में आपको जो है यहाँ पे यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग सिस्टम बंद कर देता है। तो ये जो वीडियो अपलोडिंग सिस्टम बंद होता है, ये आपको होता है 14 दिनों के लिए। 14 दिनों के लिए आपका यूट्यूब पर वीडियो जो है अपलोडिंग बंद हो जाता है, और 14 दिन के बाद ये वीडियो अपलोडिंग आपका ऑटोमेटिकली फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास अगर दो स्ट्राइक आते हैं तो यहाँ होता है, और अगर जब आपके पास तीसरा स्ट्राइक आ जाता है तो यहाँ पे जो है आपका यूट्यूब चैनल बंद डिजेबल कर दिया जा सकता है। तो आपको जो है स्ट्राइक से बचने के लिए आप जरूरी है कि आप जो है यूट्यूब पर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डाले जो कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो। तो आप जो है यूट्यूब पर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डाले जिससे कि आपका यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा अपलोडिंग फिलहाल इनेबल है 2 स्ट्राइक होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्ट्राइक के जो है यहाँ पे 14 दिन हो चुके थे, तो इसलिए मेरे यहाँ पे जो है दोबारा स्ट्राइक हट चुका है। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो अपलोडिंग कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आप देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग मेरा अभी भी बंद है, क्योंकि ये 3 महीने के लिए, पूरे 3 महीने के लिए ये मेरा अभी बंद हो चुका है, जब तक कि मेरा चैनल पे सब स्ट्राइक नहीं हट जाते हैं। तो यहाँ जो मेन बात आता है, ये आता है कि आप जो है यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आप कैसे जो है 14 दिन से पहले ही आप जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपने चैनल पर तुरंत जो है 12 घंटे में स्ट्राइक हटा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो अगर स्ट्राइक रियल होता है तो यूट्यूब की ओर से जो पनिशमेंट आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगी ही, तो इससे आप नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए आप जो है यूट्यूब पर कोई भी ऐसा कंटेंट डालने से बचे जो कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि आपके सामने कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आते हैं और कितने टाइम के लिए आते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।